यूपी में चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर यूपी में चुनाव प्रचार के आए हैं, पीडीएम बनाया है और ये कहा जा रहा है कि आप खुद अपनी पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं लड़वा रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों का वोट जो है नीचे करो उससे खराब हो रहा है। राम मंदिर तो जो दूसरे लड़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो और खराब नहीं कर रहे हैं। हम पीडीएम बनाए हैं, पीडीएम का हिस्सा है और हमारे ही कैंडिडेट हैं और उनके प्रचार के लिए उनकी कामयाबी के लिए मारे हैं पेट्रोल 100 पार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री है यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है, नौजवान परेशान है और प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री बोलते हैं किसकी आत्मा की वजह से पेपर लीक हुआ है। ये नहीं बोला जाता कि प्रधानमंत्री ने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि जो जितना जनवर है उसको मैं देख लूंगा, तीसरे फेज में याद होगा आप लोगों को, अभी क्या हो रहा है देखिए। बेरोजगारी महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, पीओके की बात करते हैं 10 साल से आपने क्या किया, बड़ा बराबर लीजिए पीओके को, हम भी कह रहे हैं भारत का हिस्सा है और चुनाव में आपको पीओके याद आता है। ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। 10 साल में जो उन्होंने वादे किए वो तमाम के तमाम चौपट हुए साबित हुए। अच्छा, संविधान और आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सामने आता दिख रहा है, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सामने आने वाले हैं, गरीबों का हिस्सा मुसलमानों को देना चाहते हैं। पहले तो ये पहली बात तो ये है कि किसी का आरक्षण छीन कर किसी को नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी देश को ये बताए कि जो उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ग्राउंड पर जो 10% रिजर्वेशन दिया है उसमें दलित आदिवासी को तो हिस्सा नहीं मिल रहा है, ओबीसी को जो आबादी में 20% हिस्सा है उनको आप 10% दे रहे हैं और जो आबादी में 80% हिस्सा है उनको आप 28% पे समेट दिए। तो यही तो सबसे बड़ा धोखा उन्होंने किया है आरक्षण का। अमित शाह जी ने ये कहा है कि 4 दिन को जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है आपने देखा होगा कि पिछले 4 इंसिडेंट चल रही है, बिना भाषण दिए जाना पड़ा है राहुल गांधी और अखिलेश को। क्या हुआ है, भगदड़ हुई है, हंगामा हुआ है। राहुल जी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, आप पुराने नेता किस तरह से कॉन्फिडेंस को देख रहे हैं, क्या एक बार कोई बदलाव है? लाठीचार्ज की नौबत भी आई कल आजमगढ़ में। अब एक सभा को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे भाई, सभा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, चुनाव कैसे लड़ेंगे फिर आप? अमित सीए वगैरह को खत्म करने के लिए जो गठबंधन जो है पार्टी में आना चाह रहा है, क्या कहेंगे? कौन मोदी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सीए को खत्म करना चाहते हैं, 370 खत्म करना। सुप्रीम कोर्ट में केस है, हम खुद उसमें पार्टी सुप्रीम कोर्ट देखेंगे।